आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ। 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2024 का ये सप्ताह कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इस विषय पर बात करूंगी। राशिफल जो होता है बहुत ही सामान्य गोचर के चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके समझ सकते हैं प्रिडिक्शन को। अगर आपको अपने जन्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसी स्थिति में आप अपने बुलाने वाले नाम से अपनी राशि मालूम कर लिया करिए, जो भी आपका बुलाने का नाम है। रमा है, राधा है, रामेश्वरी है, राजेश्वरी है, तो ये जो अक्षर आता है तुला में आता है, तो आपकी जो राशि होगी वो तुला हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप लोगों को अपने जन्म का नक्षत्र पता है, नक्षत्र का मतलब होता है कि जब आप पैदा हुए थे उस समय पर जो चंद्रमा था आपकी कुंडली में जन्म के समय, वो जिस भी नक्षत्र में था, वो जो नक्षत्र रहेगा आपका जन्म का नक्षत्र बन गया, तो वो जो ग्रह है वो आपका एक नंबर का तारा बन जाएगा, वो नक्षत्र आपका एक नंबर का तारा बन जाएगा। तो जब भी जन्म के नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र, पांचवें नक्षत्र और नवें नक्षत्र, मतलब कि विपद तारा, प्रत्यरी तारा और वध तारा के ऊपर से जब भी चंद्रमा का गोचर होता है, उस समय जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और ये दिक्कतें तब अधिक प्रभावी हो जाती हैं जब आपकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी अकारक ग्रहों की या मुश्किल वाले ग्रहों की चल रही होगी आपके कुंडली के हिसाब से, तब आप देखेंगे कि प्रभाव आपको अधिक नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। और मैं अपने राशिफल में आप सब लोगों को जो बड़े ग्रह होते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनके प्रभाव को भी थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि यही बड़े ग्रह जो हैं आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे होते हैं, रिजल्ट दे रहे होते हैं। और चंद्रमा इन्हीं ग्रहों से या इन ग्रहों के नक्षत्रों से कनेक्ट हो करके आपको अपने प्रभाव देता है। बगैर चंद्रमा के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी घटना नहीं घटित होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और राशिफल मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊं अलग अलग राशियों को, उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाया करे। और देखिए 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण होगा, तो ग्रहण के जस्ट बाद 9 तारीख से आप लोगों का साप्ताहिक राशि फल है, तो थोड़ी सी चंद्रमा की भी स्थिति, सूर्य की भी स्थिति, ये सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और राहु बारहवें भाव में मेन राशि में बहुत प्रताड़ित हुए रहेंगे, मतलब सूर्य बड़े पीड़ित हुए रहेंगे। हालांकि चंद्रमा निकल जाएंगे, मंडे को निकल जाएंगे, ये मॉर्निंग में इनकी जो डिग्री रहेगी वो लगभग 29 डिग्री के रहेंगे, 29 to 44, मतलब कि 29 डिग्री और 2 मिनट और 44 सेकेंड के रहेंगे, लगभग मेष में प्रवेश कर चुके रहेंगे चंद्रमा। तो थोड़ा सा आप अपने सूर्य को अच्छा करिएगा, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं, और जितना आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा उतना अच्छे से आप अपने सप्ताह को भी संभाल पाएंगे, क्योंकि सूर्य ही तो आत्मविश्वास है ना, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है तो उसके साथ कितनी भी स्थितियां फेवरेबल हो बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए कि क्या हो सकता है। और अभी देखिए जो ग्रह है, सारे के सारे ग्रह कुंभ राशि, मीन और मेष में ही बैठे हुए हैं, सिर्फ एक केतु है जो कि कन्या राशि में बैठे हैं, तो मोस्टली जितने प्लेनेट है वो सब बिल्कुल लग्न के एक साइड में बैठे हुए हैं, लेफ्ट साइड में। तो जितने भी मेष वाले हैं, मीन वाले और कुंभ वाले, उन लोग के जीवन में काफी घटनाएं हो रही होंगी, क्योंकि सारे प्लेनेट वहीं जाकर के इकट्ठे हो गए हैं, मतलब कि वो राशि आधी के समय पर गतिशील है, क्रियाशील है, ऐसे समझ लीजिए। और मंगल शनि चुकी है अभी कुंभ राशि में, तो सभी लोग थोड़ा सा अपने निर्णयों का और जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं, स्पेशली जो आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जो आपके तरीका होता है, जो भी आपका बातचीत करने का, उन सबों में थोड़ा गुस्सा, एग्रेशन और बहुत ज्यादा जो एक अचानक से कुछ भी बोलना करना, ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा सावधानी रख लीजिएगा 13-14 अप्रैल तक विशेष रूप से। चलिए बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए जितने भी मेष राशि और लग्न वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 26 से लेकर के बुधवार दोपहर 1 बजे तक का टाइम पीरियड
काफी अच्छा है, आपको बहुत मदद मिल रही है, आप अपने सारे कार्यों को यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा, और हर एक तरह से लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, करीबियों के साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ आप यहाँ बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ में अपने सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे और खुश रहने का भी प्रयास कीजिएगा। चंद्रमा आपको काफी अच्छे से मदद कर रहे हैं। फिर बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा औसत रहेगा। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप इरिटेटिंग मोड में रहेंगे, असंतुष्ट पाएंगे अपने आप को, तो पैसों का लेन देन बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके बोलने की वजह से या पैसों की वजह से थोड़ा आप अशांत यहाँ पर हो सकते हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है अच्छा है, यहाँ पर स्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं, हर एक तरह से आपके लिए यहाँ पर लाभ के योग बनेंगे। नौकरी है, बिजनेस है, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, या कोई भी आपका जॉब प्रोफाइल है, सब लोगों के लिए समय बहुत सहयोगी रहेगा, तो सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिएगा, पेपर, मीडिया, ऑनलाइन जितने भी आपके काम हैं, सेल्स है, परचेजिंग है, कोई भी काम है आपका, सब जगह ये समय आपको मदद कर देगा। तो अपने लिखने पढ़ने के काम, पेपर रिलेटेड काम, पीआर, वीजा, फाइल, ये सब आप यहाँ पर पूरे कर लीजिएगा। इसी के साथ कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि वो आगे चल करके पूरा हो जाए या आपकी वो विश कंप्लीट हो जाए, तो उसकी स्टार्टिंग आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, जो सारे ग्रहों की स्थितियां हैं, अगर कहा जाए तो थोड़ा सा निर्णयों का ध्यान रखिएगा, बच्चों से संबंधित चीजें, बच्चों की सेहत, या जो स्टूडेंट पढ़ाई वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, थोड़ा भी सावधानी के साथ में रहिएगा, क्योंकि आपके सूर्य की जो स्थिति है वो मीन राशि में ग्रहण में फंसे हुए हैं, तो डिसीजन वगैरह, थोड़ी डिसीजन मेकिंग जो चीजें हैं उसमें कुछ अवरोध हो सकते हैं, लेकिन जुपिटर ठीक है, लग्न में बैठे हैं बुध के साथ में, तो ये आपको बुद्धि बल प्रदान करेंगे। मंगल शनि लाभ भाव में है तो लाभ देने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा और अचानक वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, अचानक से गुस्सा हो जाना, फट पड़ना, नाराज हो जाना, या कुछ भी बोल देना, कह देना, सुन लेना, लिखा पढ़ी वाली जो चीजें होती है, सबका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समाज में अपनी छवि को मेंटेन करने का प्रयास करिएगा। गुरु ठीक है, आपके लग्न में बैठे हैं, वो आपको हर एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी संभालने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि लग्न में एक अच्छा ग्रह होना मतलब कि बहुत बड़ी चीज होती है। फिर वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सावधानी का है। खर्चे अनावश्यक व्यय, यात्राओं में दिक्कत, स्वास्थ्य में परेशानी, मां की सेहत, आपके स्वयं के साथ स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, आप बचाव करिएगा, जरूरी हो तो ही यात्राएं करिए, डोनेशन करते रहिएगा, हॉस्पिटल के ऊपर दान धर्म, ये सब चीजें करेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है, स्थिति आपके लिए सपोर्टिंग बन रही है, और यहाँ पर आपके सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं, रुके अटके बिगड़े जितने भी कार्य होते हैं, और करीबियों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, पारिवारिक सदस्य हो या आपके सर्विस और बिजनेस से जुड़े हुए लोग हो, सभी का आपको सहयोग मिल रहा है, सबके साथ समय अच्छा व्यतीत करेंगे और अपने सारे इंपॉर्टेंट कार्य को इस समय पर पूरा कर लीजिएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है औसत रहेगा। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखना है, पैसों का लेन देन कदापि मत करिएगा, यहाँ आप थोड़े से चिंतित या असंतुष्ट से हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा इसको इस समय को अपना निकाल लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं आपके लग्नेश लाभ भाव में, और वहां पर शुक्र और सूर्य और चंद्र की जो एक स्थिति है, चार चार ग्रह आपके लग्नेश होकर लग्नेश शुक्र के साथ में आपके लाभ भाव में, तो देखिए आप लोगों के लिए लाभ के योग तो बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा अपनी मदर की सेहत और अपने घरेलू पक्ष का ध्यान रख लीजिएगा। पैसे आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं, कुछ विशेष वगैरह कंप्लीट हो सकती हैं उतार चढ़ाव के साथ में। जुपिटर आपके 12वें भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा खर्चे वगैरह आपके हो रहे हैं, लेकिन अच्छे कार्यों पर हो रहे हैं, या तो पढ़ने लिखने की वजह से, या अपने जो घरेलू कार्य होते हैं, मकान, गाड़ी, घोड़ा, व्हीकल, वाहन, इन सब चीजों पर, या रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये दोनों ही प्लेनेट मिलकर के फायदा करवा रहे हैं। किंतु आपके पंचम भाव में है तो संतान और एजुकेशन, अपने जो डिसीजंस हैं, जो आपके प्रेम संबंध होते हैं, इससे जुड़े हुए सारे निर्णयों को थोड़ा सा देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि केतु हालांकि बुध की राशि में है, बुध का उनको एक तरीके से सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन केतु जो ग्रह है वो बड़ा विरक्ति वाला ग्रह है, और पांचवा भाव जो होता है वो क्रिएटिविटी का होता है, तो अगर यहाँ पर केतु बैठते हैं तो कई बार प्रेम संबंधों में उच्चाटन देते हैं। इस केतु का उपयोग अगर आप लोग अपने मंत्र साधना, अच्छी चीजों को सीखने में, जो आपकी बुद्धि है, अगर आप उसको वेद पुराण है, फिलोसफी वाली जो चीजें होती हैं, या कुछ भी अच्छा सीखना पढ़ना, ये सब करते हैं, गेम्स वगैरह से जुड़ करके अपनी एक्टिविटीज
बना करके रखते हैं तब के तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, अदरवाइज इन निर्णयों को थोड़ा सा परेशान करता है। शनि आपके अच्छी स्थिति में है, शनि और मंगल आपके 10th हाउस में है, प्रोफेशन के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको काफी कुछ जो है अब कार्यों में मदद करेंगे, लेकिन वर्क प्लेस पे थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, साथ के लोगों से बहस लड़ाई झगड़ा विवाद संबंध नहीं खराब होने पाए, क्योंकि दोनों ही को हालांकि वहां पर शनि अपने मोत्रिकोण राशि में है लेकिन मंगल का साथ उनको मिल रहा है, जो मंगल आपके 12वें भाव के मालिक हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक सप्तम भाव के मालिक बनकर के बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो लोग इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं या कंस्ट्रक्शन का ट्रेडर का काम करते हैं, लोहा सीमेंट गारा बालू मिट्टी इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं, मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोग के लिए तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दो डिफरेंट नेचर के प्लेनेट आपके प्रोफेशन के हाउस में बैठे हैं, जहाँ एक प्रोफेशन में आपको हेल्प करेंगे तो बिहेवियर वाइज नेचर वाइज थोड़ा बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, उतना ध्यान रख लीजिएगा, उतना बचाव कर लीजिएगा। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा है, फाइनेंशियल यहाँ पर आपको गेन हो रहे हैं, कहीं से लूटपाट का पैसा आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं, आपके अधिकारी वर्ग के लोग आपके लिए बड़े हेल्पिंग यहाँ पर रहेंगे, बड़े भाई बहन, ऑनलाइन क्षेत्र के फ्रेंड्स, सोशल इमेज, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जो कार्य हैं आपके बन रहे हैं इसका फायदा लीजिएगा, पैसों का लाभ हो रहा है। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है मिथुन वालों के लिए, यहाँ पर खर्चे के योग बनेंगे, यात्राओं से बचाव करिएगा, अनावश्यक व्यय, हेल्थ में दिक्कत और कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर खर्चे के योग बन जाएंगे, तो इस समय को सावधानी से निकालना है, सेहत का ध्यान रखना है, जरूरी हो तो ही यात्राएं करिए, चैरिटीज बराबर यहाँ पर आप करते रहिएगा, चाहे किसी को मेडिसिन के पैसे दीजिए या कहीं धार्मिक स्थल पर कुछ दान धर्म, मतलब यहाँ पर आपको डोनेशन देते हुए रहना है। शुक्रवार शाम 6 बजे से संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है मिथुन के लिए सपोर्टिंग है, यहाँ पर सारे रुकेट के बिगड़े कार्य आपके पटरी पर आना शुरू होंगे, लोगों के साथ बहुत अच्छा आप समय व्यतीत कर रहे हैं, करीबी और जो आपके आसपास के लोग होते हैं सभी आपके लिए बड़े सहयोगी मूड में रहेंगे, तो सबके साथ मिलकर के अपने सारे कार्यों को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे भी ये वीकेंड का टाइम पीरियड रहेगा जिससे आपको मंडे को काम करने में भी मदद मिल जाए, ये समय आपके सारे कार्यों को अच्छा करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, मंगल शनि आपके 9th हाउस में है, तो देखिए ये आपको उच्च शिक्षा यात्राएं और जितने भी आपके सर्विस से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उन सबों में आपको ये मदद करेंगे, लेकिन पारिवारिक वर्ष का थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, राहु चंद्र सूर्य और शुक्र ये आपके 4थे भाव में है, जहां पर राहु ग्रह की स्थिति में रहेंगे, तो वर्क प्लेस पे थोड़ा सामंजस्य बना करके रखिएगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए प्रोफेशन में हेल्प ही करेंगे, कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सहयोगियों के साथ में आपको बना करके तो चलना पड़ेगा, और केतु आपके 4थे भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पारिवारिक क्षेत्रों से जो जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, चाहे आपका डोमेस्टिक पीस हो, मदर की हेल्थ हो या जो भी कुछ कार्य आपके हैं घरेलू, उसको थोड़ा देख पड़ करके समझ के ही करिएगा। केतु 4थे भाव में बैठे या किसी भी भाव में बैठे, केतु के लिए बस 4, 8, 12 विशेष रूप से 12वें भाव में अच्छे रहते हैं, मोक्ष की प्रवृत्ति देते हैं, 4था भाव घरों का है, सुख का है, अब केतु जैसा ग्रह वहां पर बैठेगा तो क्या करेगा, माँ को बहुत अधिक धार्मिक बना देगा, आध्यात्मिक बना देगा, आपका हृदय स्थल है 4था भाव, तो थोड़ा सा पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह करते रहेंगे आप तो ठीक रहेगा, ओवरऑल आपके लिए ठीक है प्रोफेशन की दृष्टि से। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए कर्क राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है नौकरी और बिजनेस में बहुत फायदा हो रहा है, कार्य क्षेत्र आपको मदद कर रहा है, लोगों का सहयोग, कार्य आपके बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट काम अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए कर लीजिएगा, पैसों के लिए इंक्रीमेंट के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है कर्क के लिए फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, रुकेट के पैसे मिल सकते हैं, कुछ इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाए, आपके बॉस, करीबी मित्र वर्ग और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो आपके लिए बड़े यहाँ पर हेल्पिंग हैं, तो उन सभी के सहयोग से आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर लीजिएगा, इच्छाएं आपके यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं, आपकी काफी अच्छी शुरुआत हो रही है। शुक्रवार शाम 6 बजे से संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ आपको सावधानी रखनी है, अचानक से खर्चे, यात्राएं, स्वास्थ्य में दिक्कत, फिजूल खर्चे, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज, मतलब एक तरीके से ये डिस्टर्बिंग पूरा टाइम यहाँ पर रहेगा, तो शांति से समय को निकालिएगा, थोड़े बहुत यहाँ पर दान धर्म बराबर करते रहिएगा, अपनी और मदर की सेहत का भी आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं जो मंगल और शनि हैं आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये जो स्थिति है देखिए आपके लिए
अगर आप अकल से, रहस्य से, जमीन के अंदर से जुड़े हुए कार्य डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ भी आप इंश्योरेंस या कुछ भी गूढ़ कार्य करते हैं उसके लिए तो अच्छा है, उसमें कोई परेशानी नहीं करेंगे दोनों प्लेनेट। अदरवाइज थोड़ा आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना रहेगा। जॉब रिलेटेड जितनी भी चीजें आपकी हैं उसमें अचानक से परिवर्तन बदलाव ये सब मत करिएगा। रिसर्च वगैरह से जुड़कर की स्टडीज है उसमें आपको दोनों प्लेनेट मिलकर के फायदा करेंगे। लाइफ पार्टनर के लिए आर्थिक दृष्टि से समय लाभपूर्ण रहेगा, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जितने भी इलीगल रिलेशनशिप होते हैं, अनैतिक संबंध होते हैं, स्पेशली जो एजुकेशन से जुड़ करके जहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है उन जगहों से जुड़ करके अगर आपका किसी भी तरह का अवैध संबंध है तो उन सब चीजों का बचाव करिएगा। ऐसी स्थितियां, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। राहु, चंद्र, सूर्य, शुक्र और ये सारे प्लैनेट्स आपके भाग्य भाव में है, वहां पर ग्रहण लगा हुआ है, तो थोड़ा सा यात्राओं से बचाव करिएगा और पिता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग उच्च शिक्षा के लिए कहीं जाते हैं, जर्नी करते हैं, क्योंकि आपका नवम भाव, भाग्य भाव ग्रहण की चपेट में आया हुआ है अभी, तो यहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण कार्य, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई से हो, पिता से हो, आपके मान सम्मान से हो या किसी भी तरह की जर्नीज हो, वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, उसका एक प्रभाव रहता है, सूर्य पिता के कारक भी होते हैं और आपके धन भाव, कुटुंब भाव के मालिक होते हैं, वहां जाकर के ग्रहण में वो आ रहे हैं, फ्रिक्शन में आ रहे हैं, तो ये स्थितियां थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। और ये तो आपके तृतीय भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं तो अच्छा है। पढ़ाई लिखाई या गेम्स के क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं वहां वो आपको मदद करेंगे। व्यापार के लिए आर्थिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन करीबी मित्र वर्ग, आसपास के लोग, भाई बहन लोग के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, कई बार वहां पर वो डिटैचमेंट देने का काम करते हैं। तृतीय भाव में केतु हो या राहु हो, लाभ तो ये देते हैं, काफी अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को थोड़ा सा ये डिस्ट्रॉय करते हैं। करके के बाद फिर बात करते हैं सिंह वाले के लिए। सिंह राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है अच्छा है। औसत समय रहेगा, ये अच्छा तो नहीं कहेंगे, औसत ही रहेगा। यहाँ यात्राएं होंगी, लिखने पढ़ने घूमने की वजह से आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन फादर की सेहत और संबंधों का ध्यान रखिएगा, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है या उनसे कोई आपकी कहा सुनी वैचारिक मतभेद हो जाए। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप यहाँ पर किसी को मैसेज कर रहे हैं, कुछ लिखने पढ़ने वाला काम कर रहे हैं, वहां से त्रुटियां होने का भी संयोग बन सकता है, थोड़ा केयरफुली अपने कार्य को करिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सिंह वालों के लिए प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कार्य आपके यहाँ कंप्लीट हो सकते हैं, मान सम्मान, प्राप्ति, प्रतिष्ठा, कार्यों में मदद, व्यापार, बिजनेस प्रोग्रेस की ओर जाए, सहयोग मिले आपको साथ के लोगों का, बॉसेस का, जिनके साथ में आप सर्विस करते हैं, जो कि आपका वर्क प्लेस है, वहां की स्थिति आपके लिए बहुत मदद करेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ सकता है, रुपये के पैसे प्राप्त हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपकी विशेष भी कंप्लीट हो सकती हैं, लोगों का आपको बहुत सहयोग मिल रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, भाई बहन हों या फिर सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए काफी सपोर्टिंग स्थितियां क्रिएट हो रही है यहाँ पर, उसका लाभ ले लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, शनि मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेंगे, जितनी भी आपके बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसके लिए ठीक है। फादर की विशेष यहाँ आपकी कंप्लीट हो रही है, उनको कुछ लाभ भी दे रहे हैं ये प्लेनेट मिल करके, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसका भी ध्यान रखना रहेगा, और उनके साथ में जो आपका संबंध है उसका भी, वहां पर थोड़े बहुत ही उतार चढ़ाव या डिस्प्यूट दे सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से बैलेंस बना करके चलिएगा, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट जो है अपोजिट नेचर के हैं। सेवेंथ हाउस आपके जर्नीस का है और आपके सोशल इमेज का है, और आपके प्रोफेशन से ये 10th हाउस पड़ता है, तो वर्क प्लेस पे भी थोड़ा सा डिग्निटी के साथ में रहिएगा, क्रोध मत करिएगा, आवेश में मत आइएगा। अष्टम भाव में आपके शुक्र, सूर्य, चंद्र और राहु की युति बन रही है, ग्रहण में रहेंगे आपके लग्नेश। सिंह वालों को विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में अचानक से उतार चढ़ाव, अपनी सोशल इमेज का ध्यान रखिएगा, किसी तरह के दाग धब्बे आपके चरित्र के ऊपर या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर लग जाए, हड्डियों का विशेष ध्यान रखना है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, एक तरीके से मान हानि जैसी जो स्थितियां होती हैं उस तरह का योग बन सकता है। यदि आपका प्रोफेशन किसी ऐसे विषय से है जैसे कि कोई आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जितने भी गूढ़ विषय होते हैं, रिसर्च है, रहस्य है, गुप्तचर विभाग है, तब उस स्थिति में यहाँ उतनी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज स्वास्थ्य पर तो आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट है, शुक्र जो है आपके 3rd और 10th के लॉर्ड होकर के अष्टम में चल रहे हैं, तो ये स्थिति जो है जॉब में परिवर्तन या जॉब में किसी तरह के
अप डाउन देने का काम करे, कोई फ्लक्चुएशन आ जाए आपके प्रोफेशनल एरिया में, तो थोड़ा बैलेंस बना के चलिएगा। यदि रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, ये तो द्वितीय भाव में चल रहे हैं, बॉडी का ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे बोलना नहीं है। पैसों का जो निवेश होता है विशेष केयर करिएगा, आर्थिक हानि करवाते हैं। देखिए द्वितीय भाव में केतु का जो ट्रांजिट होता है, फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो पैसों का लेन देन आपको ठीक से करना चाहिए यहाँ पर। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या राशि और लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ही सेंसिटिव है, बिल्कुल शांति से रहिएगा। ये वो समय है जब आपको अपने सारे कार्यों पर एक तरीके से आपको होल्ड पर रखना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य, निर्णय, डिसीजन, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए कार्य का प्रारंभ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये समय जो है आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकता है, तो शांति से रहिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये भी आपके लिए औसत जा रहा है। यात्राएं हो सकती हैं, पढ़ने लिखने या कहीं आप मंदिर घूमने चले जाएं, लेकिन फादर से कहां सुनी वाद विवाद या उनके हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है, तो पिता की सेहत और संबंधों का आपको ध्यान रखना रहेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार, आपका व्यापार यहाँ पर प्रोग्रेस की ओर जा रहा है। अपने जॉब और बिजनेस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज ये भी रहेगी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अपने सैलरी इंक्रीमेंट बोनस के लिए अपने बॉस के साथ में बात कर सकते हैं। परिस्थितियां यहाँ आपको सपोर्ट करेंगी। जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां से आपके लिए शुभ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, देखिए शनि और जो मंगल है इनकी स्थिति आपके छठे भाव में बैठी हुई बनी हुई है, तो देखिए कंपटीशन की दृष्टि से तो अच्छा है, दोनों ही प्लेनेट मिलकर के आपके अंदर जबरदस्त एबिलिटी पैदा करेंगे संघर्षों से फाइट करने के लिए। तो उसका फायदा लीजिएगा, लेकिन अनावश्यक वाद विवाद किसी से मत करिएगा, क्योंकि ऐसी मन स्थिति आपकी बन सकती है, क्योंकि दोनों दो दो तेज ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। जो आप जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो आपके बच्चे हैं उससे संबंधित चीजों का, उनकी सेहत आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न आपके पंचम के भी लॉर्ड होते हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चे से संबंधित चीजें होती है उसमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। जुपिटर आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, जो बराबर आपको मदद कर रहे हैं विदेश से संबंधित आपको कार्यों को पूर्ण कराने में, फाइनेंशियल गेन दे रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर के लिए फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली के अंदर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन है उन सब चीजों के लिए भी जुपिटर काफी कुछ अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, पारिवारिक सुखों को मेंटेन करने या बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सप्तम भाव जो है वो काफी यहाँ पर ग्रहों से प्रभावित हो रहा, ग्रहण की स्थिति यहाँ पर है, सूर्य है, शुक्र है, चंद्र है और राहु है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष आपको ध्यान रखना है, उनसे कोई कहासुनी वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, स्थितियां यदि बहुत बिगड़ी हुई हैं तो सेपरेशन, एक परमानेंट जो सेपरेशन होता है डिवोर्स के फॉर्म में, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप अपनी लाइफ में डेली मिलने वाले लोगों से थोड़ा सा सावधानी के साथ में रहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके 12वें भाव के मालिक हैं, जो कि एक तरह से एकांत अज्ञात चीजों को दिखाता है। वहां की लॉर्डशिप लेकर के वो ग्रहण में आ रहे हैं सप्तम भाव में, तो या तो पार्टनर को डैमेज करेंगे या अनावश्यक खर्चे करवा सकते हैं। तो लोगों से आपके साथ चीटिंग नहीं होने पाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप मैरिड पर्सन है, अनमैरिड है, किसी भी एज ग्रुप के हैं, डेली लाइफ जो आपके लोग आते हैं जिससे आपको डेली इंटरेक्ट करना होता है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा समझदारी मेच्योरिटी से रहिएगा, कान खोल करके रहिएगा। लग्न में केतु का ट्रांजिट हो रहा है, निर्णयों को लेकर थोड़ी अधिक सजगता रखिएगा, मन में तरीके का मानसिक उच्चाटन यहाँ पर रहता है। कन्या के बाद फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए तुला राशि और लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा है। यात्राएं हो रही हैं, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, कार्यों से लाभ, यात्राओं से फायदा, पैसों का लाभ, सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान बन रही है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने सारे जो आपसी विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हो या बिजनेस पार्टनरशिप में हो, सब चीजों को आप मिल बैठ करके सुलझा सकते हैं, स्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो यहाँ पर मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, व्यापार में किसी को भागीदार बना सकते हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत ही सेंसिटिव है, बिल्कुल ही आपको सावधानी से रहना है, नए कार्य बिल्कुल नहीं प्रारंभ करना है, पैसों का लेन देन, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, कहीं साइन करना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप यहाँ पर टालने का प्रयास करिएगा। आपकी जो मन स्थिति है वही बहुत कमजोर रहेगी।
शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, तुला के लिए औसत है। यात्राएं हो रही हैं, लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना है। उसमें उतार चढ़ाव या उनके उनके साथ आपका कोई विवाद हो जाए, कहा सुनी वैचारिक मतभेद, ऐसा कुछ हो सकता है। इस समय पर जितने भी लिखने पढ़ने वाले चीज होते हैं, कोई आप टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को, कोई आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वहां पर आपसे मिस्टेक होने के भी चांसेस बन सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, आप लोगों के छठे भाव में ग्रहण की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जहां पर आपके लग्नेश भी इन्वॉल्वमेंट है। सूर्य शुक्र चंद्र और राहु की युति आपके तृतीय भाव में बन रही है। देखिए, अगर आपको पहले से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये जो ग्रहण की स्थिति है आपकी कुछ समस्याओं का अंत कर सकती है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी वो सब उससे आपको मुक्ति दिला सकती है, या जो भी आपके एनिमीज हैं, जिनसे आपकी शत्रुता है, विवाद चल रहे हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर खत्म होने के भी योग बन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। किंतु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आध्यात्मिक चीजों से अपने आप को जोड़ करके रखिए रखिए, वो आपको आइसोलेशन में ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अच्छे कार्यों पर समय व्यतीत करिए, पूजा पाठ मंत्र साधना, जो अकल्ट की चीजें होती हैं उन चीजों को पढ़ना, मतलब कि दुनियादारी से हट करके जो स्टडीज की जाती है। केतु क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। केतु चाहते हैं कि आप वेद पुराण धर्म ज्ञान पारलौकिक चीजों से अपने आप को जोड़ करके रखिए, तो आप ऐसी गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करिए। केतु आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान करेंगे, अदरवाइज वो आपको मानसिक रूप से बहुत पीड़ित कर सकते हैं। पीड़ित मतलब कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ कोई नहीं, आप दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। दो ही ग्रह दो तरीके से इफेक्ट देता है, आप उसकी ऊर्जा को उपयोग कर लीजिए या फिर आप उसकी ऊर्जा से प्रभावित होइए। तो उपयोग करेंगे तो आपके केतु अच्छे लगेंगे। 12वें का केतु तो बहुत अच्छा होता है, अगर आप उस मनह स्थिति के व्यक्ति हैं तो। शनि मंगल आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए देखिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, आपको फायदा बहुत हो रहा है यहाँ पर, पैसों का लाभ, गवर्नमेंट से फायदा हो रहा है। लेकिन दोनों ही अपोजिट नेचर के प्लेनेट है, अपोजिट इनके एनर्जीज होती है। फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस का हाउस है, बच्चे हैं यहाँ पर, आपके डिसीजन मेकिंग जो चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर रहती है। तो थोड़ा सा एग्रेशन, माइंड में तरीके का जो डिससेटिस्फेक्शन होता है, एक चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाना, या होते हुए भी उसमें एक असंतोष की भावना, ऐसी कुछ मन स्थिति आपकी रहेगी। तो निर्णयों को थोड़ा समझ करके लीजिएगा। बच्चों से जुड़े हुए चीज, किसी से बात कर रहे हैं, किसी कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने अपने दिमाग को थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखिएगा। बाकी ये दोनों ही प्लेनेट आपको मिल करके पढ़ना लिखना आर्थिक लाभ इन सब चीजों में मदद कर रहे हैं। गुरु आपके बुध के साथ में, भाग्यश के साथ में, लगन में पंच सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा है। फाइनेंशियली मदद करेंगे, मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से हायर स्टडीज को जरिया बना करके ये दोनों ही प्लेनेट आपको तरह तरह से फायदा कराएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बुध और गुरु दोनों हैं, तो ये पार्टनर की सेहत के ऊपर भी थोड़े थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट देते रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन और जो भी जो सेल्स मार्केटिंग, उच्च शिक्षा, ऐसी चीजें हैं, हायर स्टडीज हैं, जर्नीज हैं, फॉरेन ट्रेवल्स हैं, इन सब चीजों में दोनों ही प्लेनेट आपको मदद करेंगे। दूर ले जा सकते हैं, घूमने के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, उसका फायदा ले लीजिएगा। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि लग्न वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे जो कष्ट हैं, मुश्किलें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सब दूर हो रहे हैं। रोग, शत्रु, वाद विवाद सबका यहाँ पर खात्मा हो रहा है। सारे पीछे जो कुछ आपके कार्य अटके थे, रुके थे, वो सब यहाँ पर पटरी पर आना शुरू हो रहे हैं। सारे कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं, अच्छा है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी दूर हो रही है, यात्राओं से फायदा, नौकरी में लाभ, हर एक तरीके से आप यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न चित्र रहेंगे, क्योंकि आपकी सारी मुश्किलें खत्म होंगी तो मन ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। ये वो टाइम पीरियड है जब बच्चे कंपटीशन के फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपको लाभ दिलवाएगा। आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, या कोई भी ऐसा काम जो लोगों को सर्विस देने का होता है करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिन लोगों के वाद विवाद झगड़े चलते रहते हैं कोर्ट केस वगैरह के लिए, आप वकील से मिलना, केस फाइल करना, उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। पैसे मिलने, यात्राओं से फायदा। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा है। पैसे मिल रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, पार्टनर का आपको लाभ मिल रहा है, मान सम्मान आपका बढ़ रहा है, हर एक तरीके से आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। और ये वो टाइम पीरियड है जब आप अपने सारे आपसी विवाद भी सुलझा सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच का विवाद हो, बिजनेस पार्टनरशिप का हो, अगर आप उसको करेंगे तो बहुत इजीली वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये वो टाइम पीरियड है जब आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, रिलेशन में है, मैरिज के
रेफरेंस पे आप बात कर सकते हैं, किसी को अपने बिजनेस में लेकर के आ सकते हैं, पैसों का लाभ, नेम फेम, प्रसिद्धि, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, लोगों के बीच में जो आपकी एक अलग पहचान है, वो सब कुछ इस समय आपको दिलवा सकता है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है सेंसिटिव है, महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा, किसी से मिलना, पेपर रिलेटेड वर्क, नए कार्य का प्रारंभ, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज करनी है, उसके लिए समय बिल्कुल नहीं अच्छा रहेगा। शांति से रहिएगा और समय को टालने का प्रयास करिएगा, अपने पूजा पाठ इन सब चीजों का समय व्यतीत करिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, देखिए आपके पंचम भाव में, बुद्धि भाव में आपके लिए ग्रहण की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। सूर्य, शुक्र, चंद्र, राहु की युति आपके पंचम भाव में, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको अपने प्रोफेशन से संबंधित जो भी आपका नौकरी वाला बिजनेस वाला एरिया है, वहां से जुड़े हुए जो भी मुश्किलें हैं वो आपके यहाँ पर खत्म होते हुए आपको मिलेंगी। लेकिन जॉब रिलेटेड कुछ आपको उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और उसका आपको ध्यान रखना है। फादर की सेहत, अपनी छवि का ध्यान, बच्चों से जुड़े हुए जितने भी चीज होते हैं, बच्चों से जुड़े हुए उनके उनकी लाइफ से जुड़े हुए कोई निर्णय है, या बच्चों की लाइफ में किसी तरह का यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। डिसीजन को अच्छे से लेना है, प्रेम संबंध में है, थोड़ा कूल होके रहिएगा, बैलेंस बना करके चलिएगा, अदरवाइज वहां पे भी एक तरीके से जो उतार चढ़ाव होता है वो सब हो सकता है। उतार चढ़ाव का मतलब कि संबंध का बिगाड़ है, ऐसा कुछ आपके साथ में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जुपिटर आप बुध के साथ में आपके छठे भाव में चल रहा है, नौकरी की दृष्टि से अच्छा है, या आपको विदेशों से कनेक्ट करके आपके प्रोफेशन को आर्थिक लाभ और ओवरऑल आपको ये फाइनेंशियली मदद देने का काम करेंगे। थोड़ा सा अपने लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखिएगा, वहां पर किसी तरह का इंडाइजेशन या हिलेटेड छिटपुट दिक्कत भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बहुत मेजर परेशानी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा पेट से संबंधित कुछ परेशानी आपको हो सकती है। केतु आपके 11वें भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों के साथ में मिलना जुलना बना करके रखिएगा, बहुत ज्यादा आइसोलेशन में मत जाइएगा। हालांकि केतु आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोगों से थोड़ा सा कट करने का काम कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं धनु के लिए। धनु राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 26 से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे आपके छोटे हैं या बड़े हैं, थोड़ा उनका केयर करिएगा। जो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने पर फोकस अधिक बनाइएगा, मन आपके इधर उधर भागेगा दौड़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर से बिना मतलब के बहस विवाद करना, उलझने की कोशिश मत करिएगा। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप मानसिक रूप से थोड़े से डिस्टर्ब से रहेंगे, आपके मन में कुछ अटन रहेगा, तो आप अपने टाइम को अपनी हॉबीज के ऊपर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए मदद करना शुरू करेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके अटके बिगड़े जो काम है वो पूर्ण होंगे। नौकरी से लाभ, पैसों का लाभ, यात्राओं से फायदा, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको जितने भी विवाद वाली चीजें होती हैं, दिक्कत वाली चीजें होती हैं, वो सब दूर होंगी। कॉम्पिटिशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, केस मुकदमे दायर करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है वो सब आपके दूर हो सकती है, और समय आपके लिए हर एक तरह से पक्ष का यहाँ पर बना हुआ है। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, आपके पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यात्राएं हो रही हैं, पैसों का लाभ, मान सम्मान, यश प्राप्ति आपको बढ़ रही है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपके लिए काफी सहयोगी समय यहाँ पर है। तो जो लोग रिश्ते में हैं, किसी तरह के आपके मतभेद हैं, डिस्प्यूट है अपने पार्टनर के साथ में, उसको मिलकर के आप यहाँ पर सुलझा सकते हैं। व्यापार को अपने विस्तार दे सकते हैं, बिजनेस में किसी को पार्टनरशिप में लेकर के आ सकते हैं। आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं तो आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, मैरिज के लिए किसी को प्रपोज कर सकते हैं। ये समय आपके लिए हर एक तरह से सहयोगी है और सारे क्षेत्रों से आपके लिए मदद कर रहा है, मतलब कि पैसे भी मिल रहे हैं, बिजनेस भी बढ़ रहा है, संबंध भी आपके अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप यहाँ पर व्यापार का भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, आपके फोर्थ हाउस में सूर्य, शुक्र, चंद्र और राहु की युति बनी है, ग्रहण लगा है, तो थोड़ा पारिवारिक पक्ष आपको ध्यान रखना रहेगा। जितना भी घरेलू पक्ष है, लड़ाई झगड़े, कलह, क्लेश, वाद विवाद, इन चीजों से बचाव करिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ मदर को पहले से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह रही होगी तो वो सब यहाँ पर थोड़ा सा कम हो सकती है, उसका खत्म सो खत्म हो सकती है। लेकिन फादर की सेहत है, फादर से जो जुड़े हुए काम है वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किंतु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, प्रोफेशन को लेकर के बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में रहना है। अचानक से कोई बदलाव, बड़े निर्णय करने के पहले अच्छे से अपना बैकअप प्लान तैयार करके रखिएगा।
जुपिटर मरकरी के साथ में आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, लाइफ पार्टनर से फायदा, गवर्नमेंट से फायदा, फाइनेंशियली, एजुकेशन, पिता, भाग्य, बच्चे, सभी तरफ से आपके लिए बहुत मदद कर रहे हैं। शनि और मंगल की स्थिति आपके थर्ड हाउस में बनी हुई है, तो ये भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। काफी आप एक्टिवेट रहेंगे, एक्टिव फॉर्म में इस समय पर रहेंगे और अपने सारे कार्यों को यहाँ पर अच्छे से पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई आप ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेशली कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं आने पाए। आपके भाई बहन है, करीबी लोग हैं, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप वगैरह में कोई उतार चढ़ाव नहीं आने पाए, इतना बस ध्यान रख लीजिए। बाकी शनि और मंगल आपके तृतीय भाव में बैठ करके आपको हर एक तरीके से सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, मकर राशि लग्न वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बहुत ही सेंसिटिव है। शांति से रहिएगा, यहाँ पर आपकी सेहत, मदर की सेहत या घरेलू पक्ष बिगड़ने के, अशांत होने के योग बनेंगे। तो शांति बना करके रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर, एक तरीके से जो मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनली जो व्यक्ति डाउन रहता है, बिल्कुल उदास, दुखी, ऐसा ये समय रहेगा, तो बड़े निर्णय मत करिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से लेकर के शुक्रवार शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चे आपके छोटे हैं या बड़े हैं, उनका केयर करिए। वो अपनी मन की कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, अपने पार्टनर से बिना मतलब के कोई ना कोई बहाने ढूंढ के उनसे उलझते रहना, बहस करते रहना। जो स्टूडेंट है, उनका पढ़ने लिखने से यहाँ पर मन थोड़ा सा भटक सकता है, तो आपको फोकस बनाने की जरूरत रहेगी। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप मेंटली थोड़ा सा उचटे उचटे से रहेंगे, मतलब कि आपका माइंड बहुत ज्यादा यहाँ फ्लक्चुएट रहेगा, तो कार्य आप जो है पूरे फोकस के साथ में, टेंशन के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो अपने हॉबीज पे समय को व्यतीत कर दीजिएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से स्थिति आपके लिए अनुकूल होना शुरू होंगी। सप्ताह में जितनी भी चीजें आपकी बिगड़ी अटकी पड़ी हुई थी, वो सब धीरे धीरे पटरी पे आना शुरू होंगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, वो सब धीरे धीरे सॉल्व होंगी। पैसों का फायदा, नौकरी से फायदा, यात्राओं से लाभ, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो सब यहाँ दूर होंगे। ये वो टाइम पीरियड है जब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटेटिव फॉर्म फिलअप करना उसके लिए बहुत ही अच्छा है। ऑनलाइन आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने प्रतियोगिता से जुड़ करके, वो सब चीजें कंप्लीट करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। शत्रुओं को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से परास्त कर रहे हैं, तो उसका फायदा ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको पैसे, यात्राएं, सर्विस, हर जगह से फायदा हो रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, आपके थर्ड हाउस में सूर्य, चंद्र, शुक्र और राहु जो ग्रहण है, आपके तृतीय भाव में लग रहा है। तो देखिए, ये ग्रहण एक तरीके से आपके लिए अच्छा भी है, बहुत सी मुश्किलों को आपके खत्म कर सकता है। लेकिन ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको यात्राओं में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो भी आप जर्नीज करते हैं, वहां कुछ मुश्किलें, हर्डल्स आपको देखने को मिले, ऐसी स्थितियों से अपना बचाव करिएगा। कम्युनिकेशन, जो आपके आसपास के लोग हैं, स्पेशली जो आपके सिबलिंग्स हैं, मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से जो जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां बहुत सावधानी से देखते परखते हुए कार्य करिएगा। सैटर्न आपके मंगल के साथ में द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये जो स्थिति है, देखिए फाइनेंस के लिए तो ठीक है, पैसे वगैरह आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स से आपको जुड़ करके कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से, बोलने की वजह से कुछ डिस्प्यूट भी आपके क्रिएट हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उसको लेकर के आप कि यहाँ पर कुछ कार्य भी कंप्लीट हो सकते हैं। फाइनेंशियली ओवरऑल दोनों प्लेनेट आपको मदद करेंगे, लेकिन बोलने की वजह से कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में यहाँ पर खड़ी हो सकती है। जुपिटर आपके मरकरी के साथ में, बुध के साथ में फोर्थ हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट करते रहेंगे, तो ये जो स्थिति है, देखिए आपके लिए जॉब में नई स्थितियां, नए अवसर उपलब्ध कराना, और रिसर्च है, उच्च शिक्षा है, फॉरेन रिलेटेड जो आपके कार्य हैं, अब्रॉड से जुड़े हुए जो भी गतिविधियां होती हैं, उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ पैसे वगैरह भी आपके खर्च हो सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर या माँ के ऊपर या आप अपने घरेलू सुख साधनों के ऊपर कुछ पैसे भी यहाँ पर खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। केतु आपके 9th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। पढ़ने लिखने की दृष्टि से यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपकी काफी हो सकती हैं। एजुकेशन से जुड़ करके आपके लिए यहाँ पर काफी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, तो उसका फायदा ले लीजिएगा। मकर के बाद फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको हर एक तरह से फायदा हो रहा है। नौकरी है, बिजनेस है, यात्राएं हैं, कार्य क्षेत्र है, आपका कोई भी जॉब प्रोफाइल है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बूढ़े हैं, यंग है, मेल है, फीमेल है, सभी के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट काम करिएगा, आपके कार्य यहाँ बनेंगे भी। कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, पेपर रिलेटेड वर्क है, पीआर है, वीजा है, फाइलिंग है,
ये सारे कार्य आप यहाँ पर पूर्ण कर लीजिएगा। कोई भी ऐसे काम जिनको आप चाहते हैं कि फ्यूचर में चल के वो कंप्लीट हो जाए, वो विश आपकी पूरी हो जाए, उसके आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आगे चल करके उसके पूर्ण होने के बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं। बहुत ही सहयोगी समय है ये आपके लिए। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का टाइम पीरियड थोड़ा सेंसिटिव है, शांति से रहिएगा। घरेलू पक्ष यहाँ पर आपका अशांत हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मन मुटाव, आपके मन की सेहत में किसी तरह का उतार चढ़ाव, सर्दी जुकाम, कोल्ड का फीवर, या नहीं कुछ है तो आपका अपने माँ के साथ में कोई बात पे तनाव हो जाना, मतभेद हो जाना, वैचारिक मतभेद, तनावपूर्ण स्थितियां रहेंगी, शांति से रहिएगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर के संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है कुंभ वालों के लिए, यहाँ पर आपको अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चे आपके छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी आप केयर करिए। वो बिल्कुल आपका कहना नहीं मानेंगे, अपने मन की करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, तो केयर करिएगा। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पर आपका दिमाग इधर उधर भागेगा दौड़ेगा, आप पढ़ाई लिखाई से मन आपको चाट होगा, तो फोकस बनाने का प्रयास करिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, कोई ना कोई वजह ढूंढ के, बहाने ढूंढ ढूंढ करके आप अपने पार्टनर से उलझने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी चीजें मत करिएगा, अदरवाइज इससे आपको फालतू में परेशानी ही देखने को मिलेगी। ये वो टाइम पीरियड है जब आप मेंटली थोड़े से यहाँ पर आपका मन बार बार इधर उधर भागता दौड़ता रहेगा, फ्लक्चुएटिंग माइंड स्टेट में रहेंगे आप, तो अपनी हॉबीज के ऊपर समय व्यतीत करेंगे तो अनावश्यक उलझाव से आप बच जाएंगे। देखिए कुंभ वाले जितने भी लोग हैं, आप लोगों के 12वें आप लोगों के लग्न में ही मंगल और शनि का योग बना हुआ है। शनि यहाँ पर शशि योग बना करके बैठे हैं। देखिए आपको नेम फेम प्रसिद्धि, आपके जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, उन सब चीजों को जरिया बना करके दोनों ही प्लेनेट आपको मदद करेंगे। लेकिन दोनों ही तेज ग्रह हैं, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जो आपका पार्टनर है, स्पेशली जो आपका पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, या जो भी पार्टनरशिप होती है, वहां थोड़ा सा बहुत बैलेंस बना करके चलिएगा। वहां पे ये दोनों प्लैनेट जब दृष्टि डालेंगे तो कई बार ये संबंधों में थोड़ा सा खटास देने का काम करते हैं, क्योंकि ग्रह दोनों ही तेज हैं इस वजह से। और आपके लगन पे बैठे हुए हैं तो आपको बहुत आक्रामक, बहुत ही एक्टिव मोड में रखेंगे, उसका फायदा ले लीजिएगा। डिसीजन वगैरह थोड़ा मेच्योरिटी से लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, गुस्सा मत दिखाइएगा, क्योंकि शनि है, शनि के लग्न है कुंभ, मेच्योर लोग होते हैं, लेकिन फिर भी मंगल का जब प्रभाव आता है तो कई बार ये अचानक से गुस्सा भी दिलवा देता है, तो गुस्सा मत करिएगा। आपके द्वितीय भाव में ग्रहण की स्थितियां बनी हुई हैं, सूर्य शुक्र चंद्र और राहु आपके द्वितीय भाव में ग्रहण में सब कुछ हो रहा है, और पंचम के लॉर्ड होते हैं सूर्य आपके, तो लाइफ पार्टनर की सेहत और संबंधों का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप रिलेटेड मैटर्स, पैसों से जुड़े हुए जितने भी आपके काम है, थोड़ा उसको बहुत समझदारी से करिएगा। वहां पर किसी तरह के बदलाव, नुकसान, सडन गेन, सडन लॉस, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। और बोली भाषा, इन सब कम्युनिकेशन, खान पान, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। केतु तो आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो अगर आप रहस्य, रिसर्च, अकल्ट, पढ़ने लिखने, मंत्र जाप, इन सब चीजों पर समय व्यतीत करेंगे तो अच्छा है। आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट, एनालिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अदरवाइज ये केतु आपके अष्टम भाव में बैठ करके आपको लोअर बॉडी पार्ट में किसी तरह का चोट चपेट लगाना या फिर एक्सीडेंट जैसी स्थितियां, क्योंकि केतु के लिए जो छठा आठवां भाव होता है, केतु मंगल की तरह से इफेक्ट करते हैं, वृश्चिक के कोर रूलर होते हैं, तो जब भी अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ये कहते हैं कि आप अपना मन जो है, दिमाग जो है, लिखने पढ़ने पर लगाइए, अदरवाइज वो आपको कहीं ना कहीं चोट लगना, आप सीधे चले जा रहे हैं तो भी आप ठोकर लगेगी और कुछ ना कुछ आपको छिल जाएगा, कट जाएगा, ऐसा दे सकते हैं। बाकी दशाएं वगैरह भी देखिएगा। गुरु जो है बुध के साथ में आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। गुरु आपको बिजनेस और स्टडीज, फाइनेंशियल दृष्टि से आपको काफी कुछ मदद कर रहे हैं, पैसों का लाभ करवा रहे हैं, स्पेशली जो लोग मीडिया ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए स्थितियां काफी कुछ सपोर्टिंग रहेंगी। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन राशि लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, औसत है। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा, इस समय थोड़ा सा आपको असंतुष्ट रखेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, पैसे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, हेल्थ में कुछ परेशानी है, मतलब आप बड़े ही अनस्टेबल माइंडसेट में रहेंगे। थोड़ा सा शांति के साथ में समय को निकाल दीजिएगा। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार शाम 6 बजे तक का टाइम पीरियड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सारे आपके विकेट के बिगड़े कार्य पूर्ण हो रहे हैं, यात्राओं से फायदा, नौकरी में लाभ, पैसों का लाभ, मान सम्मान, यश, सब कुछ आपको यहाँ मिल सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी कोई भी जॉब प्रोफाइल है, किसी भी क्षेत्र से है, सभी के समय बहुत मदद कर रहे हैं, उसका फायदा लीजिएगा। पेपर, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य, पीआर, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, सारे कार्य आप यहाँ पर पूरे कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी वो विश कंप्लीट हो जाए, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिएगा, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये समय सभी के लिए बहुत मदद कर रहा है। आप आईटी के हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं,
कोई भी मीडिया से जुड़े हुए सभी के लिए समय बहुत लाभ दे रहा है। नौकरी से, पैसों से, मान सम्मान सब मिलेगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से संडे शाम 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये बहुत सेंसिटिव है। पारिवारिक पक्ष यहाँ पर अचानक से उसमें पारिवारिक सदस्यों के बीच में मन मुटाव, तनावपूर्ण स्थितियां, माता के सेहत के स्वास्थ्य में थोड़ी आपको कमी देखने को मिलेगी। सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर या कुछ भी नहीं है तो भी पारिवारिक वातावरण कोई ना कोई वजह को लेकर के बड़ा भारी सा हो जाएगा, शांत सा हो जाएगा। तो शांति से इस टाइम पीरियड को निकाल दीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं आपके लग्न स्थान पे ही सूर्य ग्रहण में आ रहे हैं जो कि आपके छठे के मालिक होते हैं। सूर्य, शुक्र, चंद्र और राहु आपके लग्न स्थान पर बैठ करके यहाँ पर पीड़ित अवस्था में रहेंगे तो थोड़ा आप अपने निर्णयों का, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। अपनी पब्लिक इमेज का किसी तरह से आपसे गलत निर्णय नहीं होने पाए, इतना बचाव आपको करना रहेगा। केतु आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, बिजनेस के दृष्टि से कोई विशेष दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करेंगे, मीडिया खेल जगत से आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में अपनी बॉन्डिंग को अच्छी मजबूत बना करके रखिएगा। उसमें किसी तरह के फ्लक्चुएशन या एक तरीके का डिटेचमेंट दे सकते हैं, उतना आपको ध्यान रखना रहेगा। शनि मंगल के साथ में आपके 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये जो स्थिति है वहां पर दो दो प्लैनेट्स का, तो वहां पर जो भी आप यात्राएं करते हैं, स्पेशली आप कोई जल यात्रा कर रहे हैं, आप फ्लाइट से जा रहे हैं या आप कैसे भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं बाई कार, कुछ भी ध्यान रखिएगा। यात्राओं में दिक्कतें हो सकती हैं जो कि आप निवेश करते हैं और उसको आप अच्छे से प्लानिंग के साथ में करिएगा जिससे आपको लॉसेस नहीं होने पाए। ये दोनों प्लेनेट आपको जर्नीज बहुत अच्छे से कराएंगे, एक अच्छी चीज है। यात्राएं आपको मिल सकती हैं चाहे आपके बिजनेस की वजह से, आपके स्टडीज की वजह से, आपके हायर स्टडीज की वजह से। पैसे आपके कुछ खर्चे होंगे, वो पैसे आपके निवेश के फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी मेन वाले लोग हैं किसी से लड़ना झगड़ना, कलह क्लेश, विवाद, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमे, ऐसे जितने भी दिक्कत वाली मुश्किल वाली चीजें होती है उससे आप पूरा बचाव करिएगा। अदरवाइज ये दोनों ही प्लेनेट मेल्फिक प्लेनेट आपके 12वें भाव में बैठ करके छठे भाव को देखेंगे जो कि रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी वाद विवाद का होता है। तो ये दोनों ही प्लेनेट मिल करके इस तरह की चीजों के ऊपर भी पैसों का व्यय करा सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। मंगल के आस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे भी जाएगी जहां पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं, तो पार्टनरशिप में अगर किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी की तरह का विवाद चल रहा है तो शांति से रहिएगा, अदरवाइज वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि केतु वहां है, मंगल के आसपास जाएगी, दो दो तेज ग्रह तो उस हाउस को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। और गुरु बुध के साथ में आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं जो कि अच्छी स्थिति है। ये आपको प्रॉपर्टी से फायदा, लाइफ पार्टनर के द्वारा लाभ और आपके प्रोफेशन को जरिया बनाकर आपको फाइनेंशियली और प्रोफेशनली हर एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पैसे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए जो कार्य हैं उन सब चीजों को ये कंप्लीट कराने में मदद करेंगे। गुरु आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सेहत और इन सब चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा क्योंकि लग्न में ही जो है सब ग्रहण की स्थितियां बन रही हैं। इस तरह से मेष से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं ये सबका आपको एक मिला जुला प्रभाव देगा 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। देखिए 13-14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य अपने उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद सभी के लिए समय काफी कुछ अनुकूल हो जाएगा। ग्रह का प्रभाव भी फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिर ग्रह गोचर आपके लिए काफी कुछ मदद करेंगे। मई में ऑलरेडी जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है वृषभ में, वो भी एक अच्छी स्थिति है। धन के दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं जुपिटर सभी के लिए, क्योंकि वो वृषभ में जाएंगे तो शुक्र की राशि में जा रहे हैं। अब वो शुक्र के सारे रिजल्ट देंगे, वृषभ के मतलब कि धन, कुटुंब, परिवार, उनकी भी बढ़िया स्थिति है। फिर राहु अकेले रह जाएंगे और शुक्र भी आपके परिवर्तित हो जाएंगे 27-28 अप्रैल के आसपास। शुक्र भी आपके 12वें भाव को छोड़ के लग्न में आएंगे। ये जो पूरा समय बना हुआ है सभी के लिए विशेष रूप से 14-15 तारीख तक अपनी हर एक तरह की गतिविधियों को लेकर के थोड़ी सावधानी रखिएगा। गलत कुछ भी नहीं होने पाए, गलत क्रियाकलाप, गलत एक्टिविटीज, गलत चीजों में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो ये सब भोग विलास, आत्मा, मन, सब कुछ आपके मीन राशि में सबका इकट्ठा हुआ है, ग्रहण में सब कुछ चीजें उलझी हुई हैं, तो गलत काम करने वालों को यहाँ पर अचानक से मुसीबतें भी देखने को मिल सकती हैं। इससे चिंता बचाव कर लीजिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों को फिर से बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। उसी के साथ जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए जिससे सभी को एस्ट्रोलॉजी से जो जुड़े हुए विषय हैं वो जानने में मदद मिले और जो भी गाइडलाइन है वो सब तक पहुंचे तो अच्छा रहता है। बड़े प्लेनेट हैं जब ट्रांजिट
करते हैं, जब भी राशि चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता है सबके जीवन में। ग्रह कब आपको मदद कर सकते हैं उसका फायदा ले लेना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं प्लैनेट्स के, और इसको जानना भी चाहिए सीखना भी चाहिए। और फिर मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।